अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। आज जो है बड़ी खबर लेकर आए हैं आपके सामने, और ये जो है दुबई से इंडिया के लिए एयर इंडिया का जो एक प्लान है वो आया था कल शाम में, जो क्या क्रेज़ हो गया है और उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की जो है मौत हो चुकी है, जिसमें कि 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जो इसमें दोनों पायलट की जो मौत हो चुकी है और वो किस तरह से हुआ पूरी डिटेल्स इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो चलिए फिर वीडियो आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो तकरीबन 125 पैसेंजर को लेकर एयर इंडिया जो था वो दुबई से कोझीकोड के लिए आ रहा था, और कोझीकोड पे जैसे ही लैंड किया तो लैंड करने के बाद में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, और बारिश होने की वजह से जो था जो हवाई पट्टी है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम है, ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, और हवाई पट्टी के आगे कुछ जो था एक घाई थी, घाई में ही जैसे ही लैंड किया प्लेन ने तो जो थी स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी, वो रुक नहीं पाया और डायरेक्टली आगे जाके घाई में जो था गिर गया, और उसके गिरने के बाद में ही दो टुकड़े प्लेन के हो गए, जिसमें कि 17 लोगों की मौत हुई है, दोनों पायलट की मौत हो गई और भी 17 लोगों की जो है मौत हुई है, काफ़ी ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। और इसके हवाले से कोई भी अपडेट आता है, अब जाँच पड़ताल होगी उसके हवाले से, तभी कुछ बताया जा सकता है कि कैसे ये सारा जो है माजरा हुआ और किस तरह से जो है ये सारी चीज़ हुई। और ये बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो थी वो पायलट ने कोशिश की उसको रोकने की, लेकिन बारिश की वजह से जो पानी था उसकी वजह से जो नहीं रुक पाया और फिसलता चला गया और आगे जाके घाई में गिर गया, जो कि 30 मीटर की गहराई की घाई थी। तो ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और ये बड़ी दुख की खबर है कि एक प्लेन क्रैश हुआ जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर की जो थी मौत हुई। और अच्छी बात यह है कि किसी भी तरह से इस हादसे में जो थी वो प्लेन में आग नहीं लगी, क्योंकि अक्सर जो होता है वो प्लेन के अंदर आग लग जाती है और उसके बावजूद फिर जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में भी इस तरह का एक प्लेन क्रैश हुआ था, तो उसमें जो थी आग भी लगी थी और उसमें काफ़ी ज़्यादा जो लोगों की थी लोगों की मौत हुई थी। इसमें इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ है कि इसमें आग नहीं लगी, क्योंकि ये बिल्कुल लैंड जो था कर चुका था, लेकिन स्पीड ज़्यादा थी और हवाई पट्टी की जो उतारने की जगह थी वो कम थी, और उस दौरान ये बताया जाता है जो नॉर्मल दिन होते हैं जो बारिश नहीं होती है वहाँ पे भी उतारना जो मुश्किल हो जाता है उसको, और ये जो था बारिश का मौसम था, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। एक बार जो दोबारा तो नहीं लैंड कर पाए सही तरीके से, फिर दोबारा से वो किया गया तो फिर दोबारा से वो हादसे में तब्दील हो चुका था। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये सारी जानकारी जो आपको समझ में आ गई होगी, और ये इंडिया का वाक्य है केरला का कोझीकोड का। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें, टेक केयर, बाय।